तो वो छोटी छोटी ट्रिक्स होंगी जो कि आप ही अगर आजमाएंगी तो यकीनन आपके बच्चे भी जो है ना वो लंच फिनिश करके आएंगे। लंच बॉक्स में लंच नहीं होगा। तो अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फन की दुनिया। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी वीडियो के इंतज़ार में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बच्चों का लंच। एक बहुत बड़ा मसला है बच्चों का लंच, क्योंकि बच्चे सुबह जल्दी स्कूल जाते हैं, 7:30 तक इन्होंने स्कूल जाना होता है। तो जब सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो फिर ये नाश्ता नहीं करते तो फिर सारा दिन माँ को ये टेंशन होती है कि बच्चे नाश्ता नहीं करके गए तो अब क्या करेंगे, अब उनको भूख लग जाएगी। चीज़ जो लेके जाते हैं उससे कितना का पेट भरता है, खाना तो हेल्दी होना चाहिए ना। तो मैं अपने बच्चों को हर रोज़ लंच में कुछ ना कुछ बना के देती हूँ, तो हर रोज़ का लंच मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बच्चों के लिए सुबह लंच जो बनाना है वो है जी चिकन पराठा रोटी। तो उसकी तैयारी मैंने अभी से शुरू कर दी है, आपको दिखाने वाली हूँ। आप भी देखिएगा कि बच्चों को किस तरह से आप नाश्ते को किस तरह से उनके लिए अच्छा बनाती हैं, लंच को किस तरह से उनके लिए मज़ेदार बनाती हैं, किस तरह से उनकी टेंशन जो लंच की तरफ लेके आती हैं। चलिए शुरू करते हैं लंच बनाना। आज फ्रेंड्स ये मैंने लिया है चिकन। चिकन के अंदर मैंने क्या क्या डाला है, ये जी लहसुन है, अदरक है, ज़ीरा है, साबुत धनिया है, इनको सारों को पीस के मैंने इसमें डाल लिया है। इसके साथ हम इसमें डालने वाले हैं नमक थोड़ा ही डालूंगी, अक्सर मेरे से ज़्यादा हो जाता है। मैं बाहर के मसाले मतलब शान मसाला नेशनल मसाले, अब इसको मिक्स कर देंगे। हम इसमें थोड़ा सा सिरका भी डालेंगे, इनको थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा हम इसमें सोया सॉस भी डाल देंगे, इसमें भी नमक होता है नमक ज़्यादा। फ्रेंड्स ये जो मैंने चिकन मसाला वगैरह लगा के रखा था मैरिनेट करके, इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। इसमें मैंने अभी पानी नहीं डाला, थोड़ा ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डाल के हम इसको ढाक के रख देंगे, और ये अपने पहले तो पानी चिकन का जो है इसको खुश करेंगे अच्छे से, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसको अच्छे से भूनेंगे इसमें। फ्रेंड्स देखिए रोटी हमारी जो है अच्छा तैयार है, चिकन मसाले अब सुबह हम इसे बना के खाते रहे। और ये देखिए हम बच्चों को लंच में खाते रहो, कैसे बनाऊँगी इसे बताएँ। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं आपके साथ अपने बच्चों का लंच शेयर करूँगी हर रोज़ का। आज मैं बनाने वाली हूँ पराठा। रात को हमने बनाया था चिकन, ये देखें ये वो चिकन है जो हम रात को तैयार कर रहे थे, मैंने ये रेशे बना ली है, ठीक है। और ये बंद गोभी, मेरे बच्चे खीरा नहीं पसंद करते इसलिए मैं खीरा नहीं डाली, जस्ट बंद गोभी डालूंगी। आप उसमें बंद गोभी डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, जो भी मतलब आपके बच्चे पसंद करते हैं। और साथ में मायोनीज और केचप करते हैं, वो पराठा बनाएंगे। बनाने के बाद फिर आप क्या करेंगी कि इसके ऊपर आप थोड़ा सा केचप लगाएंगी। केचप लगाने के बाद आप इसके ऊपर ये जो आपने चिकन बनाया है इसको, ये चिकन जिस तरह से मैंने आपको बताया है अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो इसमें ऐसे ही टेस्ट आएगा जैसे टिक्के का होता है, टिक्का बोटी या टिक्का चिकन जो भी होता है उस टाइप का आपको इसमें जो है वो टेस्ट आएगा। इसके बाद आप इसके ऊपर मायोनीज लगाएंगे। इसके बाद आप इसके ऊपर जो ये बंद गोभी है इसको आप लगा लेंगे। बंद गोभी भी जस्ट बेटा ही खाना पसंद करता है, बेटी नहीं करती, उसके पराठा रोल में तो मैं बंद गोभी भी नहीं लगाऊंगी। तो ये है फ्रेंड्स हमारा पराठा रोल जो कि मैंने आपके साथ शेयर करना था। और मैं अपने बच्चों को लंच हर रोज़ फ्रेश बना के देती हूँ, बहुत ही आसान, आप घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसको आपने ऐसे ये आपने इसको बंद कर लिया, ठीक है। अब हम इसको जो है ये मेरे पास बंद करो ज़रा, मेरे पास शीट है, रैपिंग शीट है, इसके साथ मैं इसको फोल्ड कर लूँगा। ये था बच्चों का आज का स्कूल लंच। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत करके वीडियो बनाई जाती है। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।